ये खींचता हुआ ले जा रहा भाई। अरे भाई साहब पूरा बालू ढोंग दिया पूरा भैया भैया धीरे धीरे। तो ये देखिए गाइस कैसे कैसे बालू फेंक रहे हैं। माय न्यू ब्लॉग जय श्री राम। मैं फोन या तो गाइस अभी हम है रमण रेती, चलते हैं आपको दिखाते हैं रमण रेती। गाइस हम उस जगह पहुंचे हैं जहां भगवान श्री कृष्ण गोकुल से थोड़ी दूर पे पड़ता है रमण रेती, तो वहां हम पहुंचे हैं जहां भगवान कृष्ण बालू में लौटते थे अपने दोस्तों के साथ खेलते थे। तो गाइस आज चलते हैं वो दिखाते हैं रमण रेती, और कहते हैं कि वहां पे बालू शरीर पे नहीं लगता है। मैं ट्राई करके देखता भी हूं वहां पे कैसा है, सच है या झूठ। तो गाइस पहले हम खुद निकलते हैं यहां पे, फिर उसके बाद चलते हैं। अभी देखिए पीपल के पेड़ के पास हम खड़े हैं, और इस साइड देखिए आप एकदम लाइन से आप देखेंगे यहाँ पे कुटिया बनाई है जो पहले जमाने में बनाई जाती थी बांस की और अरपत वगैरह की। तो चलते हैं अंदर में गाइस। वो बालू ही बालू दिखेगा इस साइड में पूरा, तभी रमण रेती नाम से जाना जाता है ये। तो चलते हैं इस साइड से अंदर में। और इस साइड देखिए गाइस जो कृष्ण जी खेलते थे उसी तरह से अभी भी भक्त जो आते हैं वो खेलते हैं और ऐसे ड्राइंग बनाते हैं। घंटा लगाओ मंदिर का, घंटा कहाँ होता है मंदिर के बाहर। आप देखिएगा बालू ही बालू यहाँ पूरा रमण रेती में पड़ा रहेगा। और साइड देखिए भक्त खेल रहे हैं और जो बाबा जी हैं वो मंदिर में ड्राइंग वगैरह बनवा रहे हैं, और रमण रेती देखिए पूरा बालू से ढका हुआ है। जी देखिए भाई तो एकदम बढ़िया तगड़े में खेल रहा है, रमण रेती का पूरा मजा ले रहा है ये। साइड भी देखिए पेड़ के नीचे यहाँ भी देखिए खेल रहे हैं, और जो पंडित जी है वो बता भी रहे हैं। और इस साइड में दिखाता हूँ आपको जो इस साइड से देखिए ऐसे लौट रही हैं जाता है, और ऐसे ही देखिए यहाँ पे खेला जाता है। और इसके देखिए सारे भक्त ऐसे लौटते हैं, देखिए ये खेल रहे हैं। आप देख लो कैसे पूरे भक्त कैसे लौट रहे हैं इस रेत में बालू में। इस साइड भी देखिए, और इस साइड भी, और इस साइड भी काफी ज्यादा भीड़ है। और इस साइड देखिए बाबा जी कुछ बता रहे हैं। तो इस साइड भी देखिए कैसे पूजा करा रहे हैं, और इस साइड भी देखिए कैसे महिलाएं खेल रही हैं। इस तरीके से देखिए यहाँ रेत में सब खेलते हैं, सारे भक्त खेलते हैं। तो चलते हैं आगे और उस साइड भी दिखाते हैं, देखिए पूरे ग्रुप में सब लोग खेल रहे हैं और काफी बढ़िया भी लगता है ये। एक माँ अपने बेटे के ऊपर फेंक रही है रेत। देखिए बच्चे कैसे, छोटे छोटे बच्चे कैसे खेल रहे हैं रेत में और काफी आनंद ले रहे हैं रेत का। इस साइड देखिए, देखिए ये छोटा सा बच्चा है ये भी इसी रेत में खेल रहा है, सभी आनंद लेते हैं। और इस साइड देखिए पूरी देखिए बालू और धूप की वजह से जल रहा है, पर बॉडी पे कुछ भी एक भी बालू चिपकता नहीं है कपड़े पे। देखिए कैसे खेल रहे हैं ये, कैसे खेल लो बाबू, मजा आ रहा कि नहीं मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ये देखो ये देखो पूरा लौट के दिखाओ। तो गाइस देखिए छोटे छोटे बच्चे भी पूरा एंजॉय लेते हैं इस रेती का, और देखिए धूप में चला, बड़े लोग भी यहाँ पे पूरा एंजॉय लेते हैं, बच्चे बन जाते हैं यहाँ आने के बाद। तो ये होता है कृष्ण भगवान की भक्ति, जो बड़े और छोटे में अंतर नहीं होता, सब बच्चे बन जाते हैं। इस हद तो आप पार हो गई है, अब देख लो ये तो पूरा बालू में अपना पूरे शरीर ढक चुके हैं, पूरी बॉडी पूरा बालू में ढक लिए हैं, तो ठंडा महसूस हो रहा है। हाँ बहुत शीतल, तो बहुत शीतल महसूस हो रहा है कह रहे हैं भाई लोग। पीछे देखिए बालू फेंक फेंक के होली इसको खेल रहे हैं, जैसे लग रहा होली आई हो, और बालू फेंक फेंक एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने पापा के ऊपर फेंक रहे हैं। तो ये देखिए गाइस कैसे कैसे बालू फेंक रहे हैं, देख लीजिए बड़े हो या छोटे हो, और सब लोग कृष्ण भक्तियों में लीन हो जाते हैं। साइड देखिए कैसे बालू में खेल रहे हैं। ये खींचता हुआ ले जा रहा भाई। अरे भाई साहब पूरा बालू ढोंग दिया पूरा भैया भैया धीरे धीरे। मंदिर के अंदर आ गए रमण रेती के, और इस साइड देखिए काफी भीड़ और काफी राधे राधे का गूंज आ रहा है मंदिर के अंदर में। और फिर चलते हैं इस साइड में और दिखाते हैं आपको। इस मेन मंदिर के अंदर चल रहे हैं, और देखिए आज काफी ज्यादा भीड़ भी है इस साइड में।
और मंदिर में अपना चलते हैं। मेन मंदिर की महिलाएं कैसे डांस कर रही हैं, कैसे नाच रही हैं, पूरा भक्ति के लीन है ये लोग। वाह भाई वाह, पूरे ये होता है कृष्ण भक्ति, पूरे भक्ति में लीन। गाइस देखिए पूरा मंदिर घूम रहा है, राधे 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 राधे, हर जगह राधे राधे रमण रेती में। चलते हैं फिर गाइस मंदिर के बाहर और दिखाते हैं और भी कुछ। जैसे पुराने जमाने में रहता था ऋषियों का जो कुटिया वगैरह रहता था, जो मड़ई वगैरह, वैसे बनाया गया है। साइड में दिखाता हूँ आपको, ऋषि ये ऋषि के लिए बनाया गया है, जैसे ये ऋषियों के लिए बनाया जो यहाँ पे रहते हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में भी यहाँ रहते हैं ये लोग। और देखिए पुराने जमाने बनाया गया है पूरा। गाइस रमण रेती के बाहर जाइएगा तो वहाँ पे हिरण का है, और हिरण यहाँ पे पाले गए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे हिरण है, देखो हिरण काफी बेहतरीन लग रहे हैं भाई। ये छोटी सी वीडियो थी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो चलते हैं गाइस इसके बाद कहीं दूसरी जगह पे, क्योंकि बहुत रास रचे थे तो बहुत ज्यादा जगह भी हो गया है, तो जहाँ जहाँ कवर कर पा रहा हूँ तो वहाँ कवर करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो प्लीज गाइस बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर चैनल को अगर अच्छी लगा हो तो, और ना भी अच्छा लगा हो तब भी कर दीजिएगा।